सिख चैनल देख रही है सारिया संगतां नूं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस वक्त असीं पहुंचे DMC हॉस्पिटल जिथे कि बापू सूह सिंह खालसा जी नूं कई दिनों तो रख्या होया बंदी बना के रख्या होया है। अज 26 तरीक की 26 जुलाई का दिन है। इस वक्त मेरे नाल खड़े हैं जो DMC हॉस्पिटल के बाहर सिंह खड़े हैं, उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं जान दिता जा रहा। सब तो पहले मैं फतेह बुलाऊंगा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई जी साहब, जो बापू सूह सिंह खालसा जी ने लंबा संघर्ष लड़िया भुखता रखी तो उन्होंने जबरदस्ती 2-3 बार जो हॉस्पिटल रखा गया, तो हूँ उन्होंने पहला सिटी हॉस्पिटल खड़ा गया, तो बाद DMC हॉस्पिटल जो आता हो तो उन्होंने जबरदस्ती जो ग्लूकोज दिता जा रहा। तुसी बापू संघर्ष बारे तो जो होने दे कोई गलबात उस बारे संगतां नूं चलना पाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज गुरु प्यारी साहिब सिंह जी 4थी बारी बापू जी ने चुकया गया, तो चक्के धक्के उन्हों का ट्रीटमेंट किया जा रहा। अज अंदरों एक सिंह ने खबर दी सी कि बापू जी नक् दे विच दी इन्हां ने नाड़ी पाउणी चाहीदी सी, उह नहीं पई। हुण ये मूँह दे राही उन्होंने नाड़ी पा के उन्होंने नाल खुराक देना चाहते आ, वो बापू जी ट्रीटमेंट बिल्कुल करा के नहीं राजी, असी ट्रीटमेंट नहीं कराना। बरार प्रशासन ने दुपहरे अज असी 2 बजे के करीब एक प्रोटेस्ट किया, सानू अंदर नहीं जान दिता गया। वह कहते भी सानू उपरों हुक्म है भी सिर्फ 2 सिंह ने बापू जी के नाल, उन्होंने परिवार को मिल दिता जा रहा, होर उत्ते किसी नू भी मिल नहीं दिता जा रहा। ये बेइंसाफी हुण तक सिखां नाल ही क्यों, साढ़े नाल ही क्यों, होरां नाल क्यों नहीं ये कुछ हुंदा। सानू पल पल जलील किया जाता आ, जे असी शांतमई प्रोटेस्ट करते हैं जां होर भी कुछ करते हैं साढ़े धक्के नाल साढ़े ते डांगां भराईयां जांदियां। उदण जिहड़े सिंघां दी गिरफ्तारी होई आ, 17 सिंघ ने जी टोटल अंदर लुधियाणा जेल दे विच, उहदे चों 13 सत्कार कमेटी दे ने जिन्हां ते कि देश द्रोह दे 394 लगी हुई आ, 7 उन्हां चों जमानत हो चुकी आ, 751 जिहड़ी उन्हां दे 2 FRI उन्हां दे दर्ज सी उन्हां दा नहीं होया। उन्हां दी किसी ने भी उत्थे जा के कोई प्रचारक किसी जथेबंदी ने उन्हां दी सार नहीं लई। परसों उन्हां नाल मुलाकात की सी, उन्हां सिंघां दा भी अंदरों यही सी भी बापू जी का संघर्ष जारी रहना चाहिए आ, सानू 13 की बजाए भावें 26 होर लिया के जेल च डक देण सानू कोई परवाह नहीं। बापू जी का जिहड़ा संघर्ष आ उह संघर्ष रहणी जारी रहना चाहिए आ। हुण सरकार वल्लों प्रशासन वल्लों गलत अफवाहां फैलाईआं जा रही ने कि बापू जी चढ़ाई कर गए जां होर उन्हां नूं कुछ हो गया, वह बिल्कुल ही गलत आ। मैं संगत नूं दस देना चाहुंदा कि फेसबुक ते बापू जी का पेज आ बापू सूरज सिंह जी खालसा संघर्ष जारी है, वो पेज नू लाइक करो, जो भी जिन्नी भी सही अपडेट आ वो पेज ते पा दिती जाऊगी। बाकी संगतां तैयार बर तैयार रहन, जे बापू जी नू कुछ हुंदा भी आ, इन्हां दी एक सरकार दी नीति है भी असी 40-50 अपने लीलियां पग्गां वाले इकट्ठे करके उते बापू जी दे परिवार नू मौजूद करके ते उन्हां दा संस्कार कर दिता जावे, गल गोल मोल कर दिती जावे। ये चीज़ तो संगतां सुचेत रहन। अज का जो इत्थे माहौल आ, सानू पिछले 5 दिनों तो अंदर नहीं जान दिता जा रहा, किसी कोई भी सिंह अंदर नहीं बढ़न दिता जा रहा। जे असी उधर नू तुरदे भी हाँ तो अगे डांगा लैके तो होर लैके सानू तंग परेशान किया जा रहा। जिद्दण बापू जी के घर घटिया कर्म होया उधर रात नू जिहड़े सिंह चक्के गए आ, उहदे विच इक SP सी नवीन शर्मा जगराओं उहदी ड्यूटी आ, उसने सिंघां दे दमाले बारे ते दाड़ा प्रकाश बारे बहुत ही भद्दी शब्दावली वरती, ते उसने कहा भी ये तुसी मैं हुण शब्द बयान नहीं कर सकदा भी ये बांदर दीआं बूथियां जे बहुत उन्हें बकवासबाजी की। उस दे रोस वजो भाई अमरपाल सिंह जी ने जेल के अंदर ही भुख हड़ताल जारी रखी है, जे तुसी सानू गिरफ्तार भी किया साडे ते लाठीचार्ज भी किया ते एक गंदी शब्दावली वरतन का कोई मायना नहीं रखता। हुण अज की डेट च वो सिंघां ते जो भी चल रहा बहुत पंजाब दी जेलां विच सिंघ बंद ने जिन्हां दीआं रिहाइयां बापू जी दे संघर्ष तो बाद होणगीआं जदों भी जो प्रशासन जाणदा आ। अगलियां भी इन्हां दीआं प्रशासन दीआं तैयारियां हो चुकियां, अगले कित्थों कित्थों की किहड़े किहड़े नौजवान इह संघर्ष च एक्टिवेट ने उन्हां दीआं भी चक्कण दीआं प्रशासन तैयारियां कर रहा जी। मैं संगतां नूं जानकारी देना कि पंजाब पुलिस दे विच जिहड़ी बहुत तादाद विच पुलिस पहलां हैगी सी, तो हुण जिहड़ी पुलिस नवां भर्ती की गई वो भी बहुत ज़्यादा तादाद विच भर्ती की है की गई है, क्योंकि ये अपना जिहड़ा राज भाग है वो उन्हां दा कैमरे ते सिखां नूं इस तरह ही नसीहत दित्ती जाए। होर तुसीं भाई साहब की कहना चाहते? मैं यही बेनती करना चाहुंदा जी गुरु प्यारी साहिब संगत जी नूं, ये जो वेला आ इह संघर्ष आ जो बापू सूरज सिंह जी खालसा जी का, ये कई नित्रने कई ने भजना बड़ा कुछ होना, तो
मेरी तो खालसा पंथ नूं यही बेनती है भी आपां जथेबंदियां छड्ड के धड़ेबंदियां छड्ड के पार्टियां छड्ड के एक एजेंडे थले इकट्ठा होईए। जिन्ना चिर आपां इकट्ठे नहीं होंदे अपने च एका नहीं आउंदा। जे एक जथेबंदी आउंदी आ इत्थे हुण देखीदा जी आ 6 महीनां च जो भी चलो चलिया एक जथेबंदी आउंदी आ ते दूजी जथेबंदी कहिंदी आ भी असीं नहीं उत्थे पहुंचना। तो वो गल आ वो कारण करके सानूं इन्हां दी कुट खाणी पै रही, इन्हां सानूं जलील करना पै रिहा। एडा वड्डा साढ़े ना धक्का होर की होगा, असी चार या पांच सिंह जिन्हें भी रिहा कराने से उन्होंने सानू एडा वड्डा संघर्ष करना पै रहा। जे असी कोई धार्मिक मुद्दा चक लिए फिर तो सानू इन्हां ने ऊ घर चो कुट कुट के मार देना आ। तो नौजवान वीरां नू जिन्हें विदेशों में संगत बैठी है उन्होंने चरणों में यही दोवें हाथ जोड़ के बेनती आ, गुरु प्यारी साध संगत जी जो जो भी तुसीं इत्थे भेजदे हो, जो भी जिन्हों माया भेजदे हो, जिहड़ी कमेटियां जां जिहड़ियां जथेबंदियां संघर्ष चला रही ने जां जो भी कर रही ने, घट्टो घट्ट इन्हां नूं इह वी दबाव पाओ भी तुसीं इक एजेंडे थले पंथ इक झंडे थले इकट्ठा होवे तां जो कौम दा साडा भविख सवारिया जावे। जे तुसीं इकट्ठे नहीं हुंदे ते आपां नूं इदां ही डांगां खाणियां पैणगियां ते इदां ही आपां नूं जलील करना है। इन्हां ने आई कुछ करदे रहणगे, पहलां वी कीता इन्हां ने ते हुण वी करनगे। होर मैं किसी पार्टीबाजी का विरुद्ध नहीं, जिहड़ी पार्टीबाजी इत्थों तक भी असी बाहरले नूं तां दोष देईए जे साडे अपने आए होण जां साडे जथेदार आए होण जां साडा कोई होर आवे जिहड़े की कहिंदे असी अकाल तख्त दे जथेदार हां, वह भी नहीं इत्थे तक पुजे तो होर किसी ने पुजने की है। होर तो अभी बगाने तो दोष दे ही नहीं ना सकते जो साडे घर दे ही चोर ने जिहड़े उही नहीं इत्थे पुजे। हले तक कोई जथेदार उत्थे बैठे बयान लवाई जांदे ने जी उत्थे प्रशासन ने माड़ी की। सुखबीर कहिंदा मेरे हाथ जी जदों तुहाडे हाथ च नहीं कुछ है तुसीं बापू जी नूं आ के मिलो तो सही, उन्हां नाल गलबात तो करो भी भाई की है संघर्ष कमेटी तुसीं चक के अंदर सिटी हुई है, जिहड़े बाहर कोई तुरे फिरदे उन्हां ते तां तुसीं तिक्की नज़र रखी फिरदे हो भी इह धक्का जुलम बाली देर नहीं चलना। तुहाडा जिहड़ा राज भाग आ उह संगतां ने ऐतकी पटना है जिवें मर्जी पटा लो, पटाउणा भी तुसीं आप आ किसे ने नहीं। तुसीं ढाडे जिहड़े नीतियां ने ना एक पंथक सरकार 25 साल हो गए गुरु प्यारी साध सिंह इन्हां नूं सानूं लुटदिआं 25 साल हो गए लुटदिआं नूं, हुण कुछ नवीं पार्टियां तुरियां होईआं ने। मैं तां इही संगत दे चरणां विच बेनती करदा इक झंडे थले इकट्ठे होईए। नौजवान वीर चाहे कोई देशां च ने चाहे कोई विदेश च आ चाहे कोई इंडिया च मेरी आवाज़ सुन रहा आ, मैं तां दोवें हाथ जोड़ के यही बेनती करदा आपो अपने लेवल ते आपो अपने शहरां दे विच भावें बापू जी के समर्थन जे एक दिन की भुख हड़ताल रखो जां प्रोटेस्ट करो तां जो अन्नी पोली सरकार आ पंजाब दी इहनूं जगाया जा सके। गलती गुस्ताखी माफ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब जिस तरह तुसीं कहा कि बापू जी का पेज लाइक करो उहदे विच कोई गलत भी आदमी हो सकता कोई नहीं जी? नहीं, बापू जी का पेज है जिहड़ा वह बाहर भैन जी चला रहे हैं अमेरिका दे विच, वह कोई भी उहदे च गलत नहीं हो सकता क्योंकि जे इंडिया विच पेज हुंदा उहदे पर की लिखा दस्सदा कर बापू सूरत सिंह जी खालसा संघर्ष जारी है, बापू सूरत सिंह जी खालसा संघर्ष जारी है, वह संगतां पेज नूं उसनूं लाइक करन। जे कोई गलत घटनावां वापरदी भी आ जां कोई कोई इदां दा भयानक आपां नूं सुनेहा मिलदा भी आ ते संगतां वध तों वध DMC पुजन जां बापू जी दे पिंड पुजन, बाकी जो भी अपडेट इत्थे सिंह जिहड़े मौके ते मौजूद रहिंदे ने असीं भी इत्थे ही आ, जिन्ना भी हो सकिआ असीं संगतां नूं जागरूक करांगे। उस पेज तों देखे बगैर ना ही एक परेशान जो परिवार आ पहले ही बहुत तगड़ा संघर्ष लड़ रहा जी, एक सारा कुछ छड्ड के अमेरिका की सिटीजन छड्ड के सारा कुछ इत्थे वो संघर्ष लड़ रहे, पुलिस दीआं डांगां खा रहे, बड़ा कुछ हो रहा आ। उन्हां नूं कृपा करके थोड़ा जिहा तंग परेशान ना किया जाए, बहुत वड्डी देण आ बापू सूरत सिंह जी ते उन्हां दे परिवार की ते जो भी उन्हां दे पिंड वाले आ। साडा एक फर्ज आ जी कौम दे नाते असीं तुरना। मैं एक बेनती करूँगा जिन्हें भी प्रचारक ने जिन्हें भी कथावाचक ने जो जिन्हें भी साढ़े जिहड़े भी कौम के आगू खवाउंदे आ वो ये पार्क आ DMC दी जो DMC दे बाहर इत्थे आ के बैठन तां जो ये संघर्ष नूं हुलारा मिल सके। एक सिर्फ बापू जी दे घर दे विच स्कूल खोलिया होया आ, असी जाना हाजरी लवाई वीडियो बनाई फोटो खिंची चलो वापस, इत्थे तक ना सीमित रहिए। घट्टो घट भी अज बापू सूरत सिंह जी दाखल ने, असी फेसबुकां ते व्हाट्सएप ते बहुत ये चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, धन्नवाद उन्हां संगतां दा, पर इत्थे भी जरूर भजो जे बापू जी नूं मिलन नहीं देंदे। घट्टो घट सरकार नूं इह पता हो सके कि उन्हां दे समर्थक जां उन्हां दे पुत ने जिहड़े बाहर वो उन्हां दे लई संघर्ष उन्हां दा जारी आ ते बाहर साडा संघर्ष जारी है। भाई साहब जिदा अज कपूरथले तो एक रोस मार्च आया तो वो उस नाल ही अपने एक जरनैल सिंह पत्रकार जो दिल्ली तो MLA वो भी इतने आए, उन्होंने जो बापू जी कोई मुलाकात की हो सकता दस मार्च अज आया कपूरथले तो जी सिंह
ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਪਿੰਡੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਇੰਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਫ਼ੀ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ, ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਠ ਪੈਣ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜੋਵਾਣੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜੋਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰੋਕ ਲੈਣ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਰਸਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ
स्टेट सरकारां दे हाथ विच आ वो जिहड़े कैदी सज़ा कट चुके ने उन्हां नूं रिहा कर सकदी है और जल्दी तो जल्दी ये कैदी रिहा होने चाहिए और जिन्ना चिर रिहा ना होए ये जिहड़ा ये लावा फुटिया ना ये बिल्कुल एक दिन जित जिहड़ी हासिल करके रहूगा ये इन्हां नूं याद रख लेना चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जसपाल सिंह हेरा संघर्ष कमेटी का मैंबर हाँ तो अज वीर गोगी जी मैनू सुनेहा दे के आए सी। बीती रात भी फोन पर मेरी गल हुई सी कि बापू जी थोड़े नाल कोई सलाह करना चाहते ने ते तुसी आके अज बापू जी नू मिलो। तो हुण जदों असी मैं ते सरदार ध्यान सिंह जी मांडे साबका मैंबर पार्लीमेंट अज बापू जी नू जदों मिल आए उन्हां दे मन दे विच की सोच आ की विचार आ उन्हां दा की बलबला वो जानने दे लई जदों असी आए तो पुलिस वालों सानू अंदर जाण दी आग्या नहीं दित्ती गई, बापू जी नू मिलण दी आग्या नहीं दित्ती गई। सो ये जिहड़ा संघर्ष आ असी शुरू तो ये गल कहिंदे आ रहे हैं कि ये संघर्ष आ जिहड़ा ये मनुखी अधिकारां दे कतल दा ते दूसरे पासे मनुखी अधिकारां दे कतल दी राखी दा। सरकार मनुखी अधिकारां दा नंगा चिट्टा कतल कर रही आ ते दूसरे पासे बापू सूरत सिंह खालसा ते अज उन्हां दे नाल जिहड़ी सिख संगत खड़ी आ वह मनुखी अधिकारां दी राखी लई मैदान च नितरी हुई आ। सो असी सारे ये गल भली भांत जाणदे आ कि पहली गल हिंदुस्तान का कानून आ जिहड़ा वो इस गल की आग्या नहीं दिंदा कि किसी उस सिंह नूं जां किसी उस कैदी नूं जिन्हें अपनी सज़ा पूरी कर ली होवे उन्हूं जेल दियां काल कोठड़ियां विच रखा जाए। सो पहली गल तो यह कि उन्हां दे मनुखी अधिकारां दा यह कतल हो रहा कि उन्हां दी सज़ा पूरी होण दे बावजूद उन्हां दी रिहाई नहीं हो रही। सो असी यह संघर्ष आ जिहड़ा मनुखी अधिकारां दी राखी लई बापू सूरत सिंह खालसा की अगवाई च लड़ रहे हैं। अगली गल बापू सूरत सिंह खालसा उस शांतमई रस्ते नूं अपना के अगे वधे ने जिस शांतमई रस्ते ते इस देश की बहुगिणती जिहनूं अपना बापू कहिंदी आ उह चलिया सी किसे दिन। सो जिहड़ा व्यक्ति इस देश दे कानून अनुसार शांतमई ढंग नाल इस कानून इस देश दा संविधान उहनूं हक दिंदा कि वह अपना रोस आ जिहड़ा उहनूं प्रगटा सकदा शांतमई ढंग दे नाल, बापू सूरत सिंह खालसा अपना रोस शांतमई ढंग दे नाल अपनाउण लई मैदान च नितरे ने, भुख हड़ताल ते बैठे ने। उन्हां नूं जबरी चुकया जांदा, बार बार जबरी चुक के हस्पताल च बार बार उन्हां नूं, क्योंकि ये इतों का कानून यह भी कहता वा, इतों का जिहड़ा हैल्थ कानून यह भी कहता कि किसी मरीज़ नूं जबरी उहदा इलाज नहीं किया जा सकता, परंतु सारा कुछ बापू नाल हो रहा। उन्होंने जबरी घरों चुकया जा रहा, उन्होंने जबरी शांतमई अंदोलन नहीं किया जा दिता जा रहा, उन्होंने जबरी आ जिहड़ा उन्हों का जिहड़ा इलाज आ वह करन दी कोशिश की जा रही आ। सो अज जिहड़ी असीं गल देख रहे हैं कि आ हस्पताल आ जिहड़ा ये सारिआं दे लई जिहड़ा भी कोई दुखी आ जोड़ा कोई मरीज आ उहदे लई सांझा ते हर व्यक्ति का हक आ कि जिस व्यक्ति का कोई रिश्तेदार कोई नाती कोई हस्पताल दे विच दाखला वह आके उहनूं देखे उहदी देखभाल करे उहदे दुख नूं जाने उहदे नाल अपना दुख सुख सांझा करे। अज बापू सूरत सिंह खालसा जिन्हां नूं असीं अपना बापू प्रवान कर चुके हाँ वो किसी दुख तकलीफ दे विच इन्हां ने इत्थे दाखल किए हुए ने ते सानू इस गल दा हक नहीं कि असीं जाके उहनां नूं देख सकीए कि उहनां दी हालात की ने। बाहर अफवाहां फैलाईआं जा रहीआं ने बार बार, वह भी सरकार वालों जानबूझ के अफवाह फैलाई जा रही ने कि बापू शहीदी कर चुके ने। हर सिख का हिरदा जिहड़ा वह तड़फदा वह हस्पताल वालों भजदा कि असी जाके देखिए कि बापू की हालत की आ, तो हस्पताल के गेट ने सरकार गेट आ जिहड़े वह सरकार ने जबरी बंद कर चुके ने। सो अज जिहड़ा माहौल इस देश दे विच पैदा किया गया अज असी जिहड़ा कुछ देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार ते पंजाब की बादल सरकार दोने मिलके जिस तरह सिखां नूं उन्हां दीआं हक्की मंगां मन्नण तों रोक रही ने, जिहड़ा जबर असी बार बार गल कर सके कि वह बाबर वाला जबर आ जिहड़ा अज फिर पंजाब दे विच हो रहा, तो पंजाब दे सिखां नूं इस गल का बार बार अहसास कराया जा रहा कि वह इस देश विच इस सूबे विच गुलाम ने ते गुलामां दा कोई अधिकार नहीं हुंदा। सो सानूं यह गल अहसास करनी पवेगी, सोचना पवेगा कि असी जे साडे कोल कोई अधिकार ही नहीं, असी एक अपने बापू दे जिहड़ा हस्पताल दे विच दाखला जिहदे बारे अफवाहां फैलाईआं जा रही कि उहनां दी शहीदी हो गई, असी उहनां दे दर्शन तक नहीं कर सकते, इस तों वड्डी बदकिस्मती साडी होर की हो सकती आ। सो सरकार नूं इह गल समझ लैणी चाहीदी आ कि मनुखी अधिकारां दा जिहड़ा इह नंगा चिट्टा कतलेआम हो रहा इहनूं असी निरंतर जारी नहीं रहिण देवांगे। अज कौम जाग चुकी आ, असी अपने अधिकार लैण जाणदे आ ते असी बहुत बार इह साबित भी कर चुके हां जे सरकार इस जबर दे राह तों वापस ना मुड़ी ते फिर सानूं जिहड़ा साडा हक जिहड़ा इस देश का कानून भी दिंदा वा इस देश का संविधान भी दिंदा फिर उस हक दे लई जिहड़ा कौम आ वो अपना फैसला जरूर करूगी। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बापू जी की सेहत के हालात ये ने भी इत्थे लिया के उन्होंने जिहड़ा उन्होंने ग्लूकोज लाया होया उहदे नाल उन्होंने जिहड़ी पानी ना पीण करके मौत होण का डर सी
मेरा ख्याल है भी वह किसी हद तक टलिया, आप ये नहीं कह सकते भी वह खत्म हो गया, वो थोड़ा पिछे जरूर पै गया। तो जोड़ा उन्होंने मूँह राही कोई जोड़ा भी कोई उन्होंने खाना पीना हों जो नहीं जा रहा उन्होंने अंदर समेत पानी जोड़ा नगार आ रहा वो निरंतर जारी आ। बापू जी की सेहत अगे ना होर डाउन हो रही है तो यही हालात ने उन्होंने ठीक ने हले वह सह लै रहे हैं। खालसा वाहगुरू जी की फतेह।